नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। सांसदों के निलंबन के विरोध में कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग के द्वारा राष्ट्रपति के नाम से सौंपा गया ज्ञापन। जूनियर डॉक्टरों ने शहर में निकाला कैंडल मार्च। पीजी काउंसलिंग कराए जाने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय द्वारा सुनाई गई 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा। समाचार अब विस्तार से। सांसदों के निलंबन के विरोध में कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग के द्वारा राष्ट्रपति के नाम से सौंपा गया ज्ञापन। राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल सहित 12 सांसदों को शीतकालीन सत्र से किया गया था निलंबित। आपको बता दें कि सांसदों के निलंबन के खिलाफ लोकतंत्र की रक्षा के लिए 700 से अधिक शहीद किसानों को श्रद्धांजलि तथा MSP की गारंटी के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग के बैनर तले मध्य प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ 8 दिसंबर 2021 को 1 किलोमीटर का पैदल मार्च निकालकर विरोध व्यक्त किया गया। इस दौरान कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग के नेता अब्दुल सईद के नेतृत्व में रीवा में भी 1 किलोमीटर का पैदल मार्च निकालकर कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहुंचकर नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला को ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि 29 नवंबर को चालू हुए शीतकालीन सत्र में राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल सहित 12 सांसदों को शीतकालीन सत्र से निलंबित कर दिया गया। निलंबन के विरोध में आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। अपने ज्ञापन पत्र में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा कहा गया कि भारत सरकार जब कृषि बिलों को अपनी भूल मानकर उन्हें वापस ले रही है तो फिर उस बिल के विरोध में सदन में जनभावनाओं को मुद्दा उठाने वाले सांसदों को निलंबित क्यों किया गया। आपको बता दें कि 11 अगस्त में किए गए विरोध प्रदर्शन के लिए कार्यवाही करना यदि उचित था तो उसी सत्र में कार्यवाही की जानी चाहिए थी। दिल्ली में आंदोलनरत किसानों को सरकार खालिस्तानी पाकिस्तानी समर्थक तथा आंदोलनजीवी जैसे जुमलों से डराती रही है। ज्ञापन पत्र में कहा गया है कि समूचे मामले में हस्तक्षेप कर महामहिम राष्ट्रपति हस्तक्षेप कर दुर्भावनापूर्वक किए गए सांसदों के निलंबन को वापस लेने के लिए निर्देशित करें। प्रस्तुत है कांग्रेस नेता लखनलाल खंडेलवाल से प्राप्त जानकारी के अंश। आज हम सब लोग आदरणीय जो महामहिम के नाम से आज हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है लोकसभा में, राज्यसभा में जिस तरह से आवाज को, जनता की आवाज को दबाया जा रहा है, राज्यसभा में किसानों की आवाज, मजदूरों की आवाज, जो भ्रष्टाचार चला देश के अंदर महंगाई के नाम पे जो अपनी आवाज को उठा रहे थे, तो अलोकतांत्रिक तरीके से उनकी आवाज को दबाया गया और सांसदों को निलंबन कर दिया गया। तो निलंबन के बहाली की जाए और जनता की आवाज जिससे वो संसद में पहुंचे और उसकी जानकारी जो देश के अंदर हो रही है वो पहुंच सके, और इसके लिए हम लोग बहाली के लिए यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। बालिका के साथ दुष्कृत करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा। न्यायालय ने विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी चंद्रशेखर पटेल को अवयस्क बालिका को भगाकर ले जाने तथा दुष्कर्म किए जाने का दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि 10 वर्ष की सजा के साथ आरोपी को अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। इस संबंध में लोक अभियोजक पॉक्सो एडवोकेट अंजू पांडे ने बताया कि यह घटना विगत 1 अगस्त 2019 की है, जब बालिका अपने विद्यालय के लिए जा रही थी। तभी बीच सड़क पर आरोपी द्वारा उसको रोककर दिल्ली घुमाने के बहाने इलाहाबाद ले जाया गया तथा एक दिन बाद वापस आने पर कथित विवाह रचाकर उसके साथ बलात्कार किया गया, जिसमें अवयस्क बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी के खिलाफ विश्वविद्यालय थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण दर्ज कर अदालत में पेश किया गया। विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट अशोक बेलवंशी एवं अंजू पांडे द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं तर्कों से सहमत होते हुए विशेष न्यायाधीश महिमा कछवाहा ने आरोपी चंद्रशेखर पटेल को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹3,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रस्तुत है लोक अभियोजक अंजू पांडे से प्राप्त जानकारी के अंश। 1/8/2019 की घटना दिनांक को जो अभियोक्त्री थी सुबह 10 बजे शाला अध्ययन करने के लिए जा रही थी, उसी दौरान उसको आरोपी रास्ते में मिला और उसको बहला फुसला के बोला कि चलो हम दिल्ली चलेंगे घूमने के लिए।
और उसके बहकावे में आके अभियोक्त्री उसके साथ गई। वो ट्रेन से उसको इलाहाबाद तक ले गया, एक दिन वहाँ उसको रखा भी, फिर दूसरे दिन पुनः उसको रीवा वापस लाया और जहाँ पे एक स्थानीय मंदिर में जाकर उसके कथित विवाह करके उसके साथ बलात्कार किया। जब दो तीन दिन तक उसकी बेटी अभियोक्त्री नहीं मिली तो अभियोक्त्री की माँ ने जो है तो थाना विश्वविद्यालय में प्रकरण दर्ज कराया, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके पश्चात विशेष न्यायालय में मामला प्रस्तुत किया गया और विशेष न्यायालय ने ये अभी 4-5 दिन पहले आरोपी को भारतीय दंड संहिता की 363 की 2 वर्ष एवं 500 रुपये जुर्माने से दंडित किया एवं 366 के तहत 3 वर्ष का सश्रम कारावास 500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया और 376(2)(n) पॉक्सो की धारा 5/6 के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,000 के जुर्माने से दंडित किया गया। और मामले की पैरवी शासन द्वारा, मेरे द्वारा एवं अशोक प्रियदर्शी जी के द्वारा माननीय जिला अभियोजन अधिकारी के मार्गदर्शन में किया गया। आरोपी चंद्रशेखर पटेल, आरोपी अभी उसकी जानकारी हो जाएगी, ये संबंधित एक्ट के तहत जो है तो पीड़िता के बारे में कोई जानकारी नहीं होना चाहिए, इसलिए उसके निवास स्थान नहीं बताया जा सकता। जूनियर डॉक्टरों ने शहर में निकाला कैंडल मार्च, पीजी काउंसलिंग न होने के कारण कर रहे हैं लगातार प्रदर्शन। आपको बता दें कि श्याम साई मेडिकल कॉलेज में दूसरे दिन भी जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी रही। बता दें कि चिकित्सकों के रिक्त पदों को न भरे जाने एवं नीट पीजी काउंसलिंग में देरी को लेकर जूडा में भारी आक्रोश है। हड़ताल कर जूडा ने ओपीडी से मंगलवार को भी दूरी बनाए रखी। जूडा की हड़ताल से मरीजों को भारी परेशानी हो रही है, ओपीडी के मरीजों की भीड़ को वरिष्ठ चिकित्सक नहीं संभाल पा रहे हैं। आलम यह है कि कई मरीज बिना उपचार के ही वापस लौट रहे हैं। इसके अलावा जूनियर डॉक्टरों ने मंगलवार को आक्रोश व्यक्त किया तथा कैंडल मार्च भी निकाला। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन सहित प्रशासन को चेताया है कि उनका कहना है कि उनकी मांगें यदि पूरी नहीं की गई तो उग्र आंदोलन करने पर बाध्य होंगे। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेज सहित श्याम साई मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। इस संबंध में मेडिकल कॉलेज के डीन सहित राज्यपाल को भी पत्र लिखकर भेजा गया है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि नीट पीजी 2021 की परीक्षा 11 सितंबर को संपन्न हो चुकी है लेकिन नए बैच की भर्ती प्रक्रिया को शुरू नहीं किया गया है। जानकारी के अनुसार एसएस मेडिकल कॉलेज का वर्ष 2018 का बैच जा चुका है, वहीं 2019 का बैच अप्रैल में चला जाएगा। ऐसे में चिकित्सकों की संख्या काफी कम रह जाएगी। आइए सुनते हैं इस संबंध में जूनियर डॉक्टर आकांक्षा सिंघल से प्राप्त जानकारी के अंश। निकाली है क्या उद्देश्य? ये कैंडल मार्च एक इंडिकेशन है जो ऑनगोइंग स्ट्राइक हमारे यहाँ कल से स्टार्ट हुई है आईएमए फोर्डा और फियामा के कोऑर्डिनेशन में जो रीवा में हमने कल से स्टार्ट की है। तो इट्स जस्ट इंडिकेशन कि हम उस स्ट्राइक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और फर्दर जब तक कोई ऑर्डर्स नहीं आते या हमें कोई पॉजिटिव सपोर्ट नहीं मिलता है। नाम बताइए। आकांक्षा। जिले के मऊगंज थाना क्षेत्र से दुष्कर्म का एक मामला और सामने आया है जहाँ पर गाँव के ही एक युवक ने घर में घुसकर किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना के बाद किशोरी बेहोश हो गई। ये घटना उस समय की है जब किशोरी घर पर अकेली थी। काफी देर बाद जब परिजन घर वापस लौट कर आए तो उन्हें घटना की जानकारी हुई। आपको बता दें कि युवतियों के साथ लगातार दुष्कर्म के मामले सामने आते रहे हैं। लगातार प्रयासों और अपराधियों पर सख्त कार्यवाही के बाद भी अंकुश लगने का नाम नहीं हो रहा है। ताजा मामला मऊगंज थाना क्षेत्र का है जहां पर रहने वाली 14 वर्ष की किशोरी मंगलवार की सुबह घर पर अकेली थी। किशोरी के माता पिता किसी काम से बाहर गए हुए थे। किशोरी के माता पिता के घर से बाहर निकलते ही गांव पर रहने वाला आरोपी युवक अचानक घर के अंदर दाखिल हो गया। घर के अंदर दाखिल होते ही आरोपी को किशोरी को जबरन कमरे में ले गया और उसके साथ मारपीट कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। घटना के दौरान किशोरी की हालत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक घटनास्थल से फरार हो गया। शाम तकरीबन 4 बजे जब परिजन वापस घर लौटे तो किशोरी को बेहोशी की हालत में पड़े हुए देखा तो घटना के बारे में जब परिजनों को जानकारी हुई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई।
घर पहुंचे परिजन किशोरी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊगंज लेकर पहुंचे, जिसके बाद किशोरी की बिगड़ती हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे रीवा के संजय गांधी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। साथ ही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और घटना स्थल का निरीक्षण किया। पुलिस पीड़िता के बयान के आधार पर सक्रिय हुई और कुछ ही घंटों के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पीड़िता का इलाज रीवा के संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। आइए सुनते हैं घटना के संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अनुसार। पुलिस को जानकारी लगी थी तो टीआई के द्वारा उस बच्चे से पूछताछ की। बच्ची एसजीएमएस में आई थी, टीआई भी एसजीएमएस में थी। उनने बच्चे से पूछताछ करके जब घटनाक्रम जाना तो निकल के आया कि 7 तारीख को और एक 14 साल की बच्ची है जो अपने घर पर थी, उसके माँ और पिताजी मजदूरी करने के लिए बाहर चले गए थे। बच्ची घर में अकेली थी। उसी समय उसी गांव का एक 20-22 साल का युवक है वो उसके घर में गया और उसके साथ उसने गलत हरकत की, जिसके बाद बच्ची उम्र कम होने के कारण से अनकॉन्शस हो गई। उसकी चचेरी बहन के द्वारा जब उससे थोड़ा सा पूछताछ की तो बताया उसने, उस पर उसके माता पिता आए, उनको बताया, गाँव के लोग इकट्ठे हो गए और उसको पहले मऊगंज प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले गए। वहाँ से उसको एक स्वाट एम्बुलेंस के जरिए एसजीएमएस भेज दिया गया रीवा में। रीवा में फिर उसकी FIR करके मऊगंज थाने में उसका प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और आरोपी को तत्परता से 2-3 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी भागने के प्रयाग में था, उसमें SDPO थाना प्रभारी की टीम के साथ तत्काल उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी पुलिस अभिरक्षा में उसको भी जेल भेजा जाएगा। स्वर्गीय भैयालाल शुक्ला जी की स्मृति में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। ये आयोजन वर्ष 2016 से लगातार किया जा रहा है। वहीं इस टूर्नामेंट में रीवा सतना एवं सीधी की 32 टीमों ने एंट्री ली है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल सहित सेमरिया विधायक KP त्रिपाठी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विभा पटेल सहित अन्य स्थानीय लोगों सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट का आयोजन 2016 से लगातार किया जा रहा है। श्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि इस टूर्नामेंट का आयोजन अखिलेश शुक्ला, संदीप तिवारी, सतीश उर्मलिया सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार किया जा रहा है, जिसके उद्घाटन समारोह में वे हमेशा शामिल होते रहे हैं। इस टूर्नामेंट में रीवा सहित अन्य जिलों तथा आसपास की कुल 32 टीमों ने एंट्री ली है। इस प्रतियोगिता में पुरस्कारों सहित खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन हेतु इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में विजेता को 61,000 एवं उपविजेता टीम को 31,000 रुपए का पुरस्कार भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस दौरान क्रिकेट टूर्नामेंट को और अधिक रोचक बनाने एवं खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए पूर्व मंत्री एवं सिमरिया विधायक स्वयं मैदान में उतरकर चौकों एवं छक्कों की बौछारों से खिलाड़ियों सहित उपस्थित जनों का मनोरंजन एवं उत्साहवर्धन किया। प्रस्तुत है इस संबंध में पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल से प्राप्त जानकारी के अंश। नगर बोधाबाद में 2016 से लगातार स्वर्गीय भैयालाल शुक्ला जी के स्मृति में क्रिकेट के टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह में मैं लगातार आ रहा हूँ। इस टूर्नामेंट का आयोजन अखिलेश शुक्ला जी, संदीप तिवारी, सतीश उर्मलिया जी, विवेक मिश्रा जी जैसे बहुत ही हमारे सक्रिय जो इस अंचल के साथी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके माध्यम से यहाँ पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि अपने प्रयास से, अपने दम से वो लगातार इतने वर्षों से लगातार इस टूर्नामेंट का आयोजन करते रहेंगे और बड़ी संख्या में टीमें यहाँ पर हिस्सा लेती हैं। जैसे मुझे बताया गया कि इस टूर्नामेंट में ही जो करीब 8 से 10 दिन चलेगा 32 टीमों ने एंट्री ली, जिसमें रीवा की भी टीमें हैं और सीधी और सतना और अगल बगल की भी टीमें हैं पुरस्कार का भी। तो कुल मिला के आज इसका शुभारंभ हुआ है और बाकी ये अच्छे पुरस्कार से लेके और खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए भी लोगों के टूर्नामेंट को इन्होंने आकर्षक बनाया है। विजेता को 61,000 का पुरस्कार और उपविजेता को 31,000 का नगद पुरस्कार, उसके अलावा सभी खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार की इन्होंने व्यवस्था की है। मैं इनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं, क्योंकि मेरे पूज्य पिताजी की स्मृति में यहां पर टूर्नामेंट का अपने सारे स्वयं के प्रयासों से और इंतजाम से यहां पर आयोजन करते चले आ रहे हैं। बहुत धन्यवाद, बधाई, शुभकामनाएं। आज की खबरों में बस इतना ही।
कल हम पुनः हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।